हिमाचल सरकार ने 800 से बढ़ाकर 1500 की सेब सीमा राशि, ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई। फसल बीमा योजना के तहत अब हिमाचल प्रदेश के बागवानों को सेब के लिए प्रति पेड़ 1500 रुपये बीमा राशि मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 800 से बढ़ाकर बीमा राशि 1500 रुपये करने का फैसला किया है। शनिवार को बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली बार लीची, अमरूद और अनार को भी योजना में शामिल किया गया है। बीमा योजना के तहत ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत साल 2023-24 के लिए सरकार ने सेब के अलावा आम, नींबू प्रजाति के फल, आड़ू, प्लम की बीमा राशि में भी बढ़ोतरी की है। सेब के लिए 36, आम के लिए 56, प्लम 29, आड़ू 16 और साइट्रस 58, अनार 21, लीची 38 और अमरूद के लिए 22 ब्लॉकों में योजना लागू होगी। लीची, अमरूद और अनार को इस साल बीमा में शामिल किया है, जिसके तहत लीची की 950, अमरूद की 350 और अनार की 560 रुपये प्रति पेड़ बीमा राशि तय की गई है। दुबई के उद्यमी फिल्म सिटी खोलने, सेब आयात, होटल और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के इच्छुक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने दुबई से निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। निवेशकों को राज्य में ऊर्जा, पर्यटन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित किया और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने उन निवेशकों से मुलाकात की जो आतिथ्य उद्योग, फिल्म सिटी, होटल, सेब आयात, कृषि, हरित ऊर्जा और पन बिजली क्षेत्र में निवेश के इच्छुक हैं। समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के 140 निवेशक से मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को दुबई में हुए हिमाचल मूल के और अन्य निवेशकों के सम्मेलन में भाग लिया। शनिवार को दुबई से लौटने के बाद सीएम सुक्खू ने पांवटा साहिब में कहा कि दुबई के निवेशक आगामी जनवरी में हिमाचल प्रदेश आएंगे। सरकार पर्यावरण मित्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिससे राज्य के विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन को कोई नुकसान न हो। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नवोन्मेषी पहल की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों को देश के साथ साथ विदेशों में भी सराहा जा रहा है। प्रदेश सरकार राहत राशि में कर रही बंदरबांट, लोकसभा चुनाव में चारों सीटें जीतेंगे। तीन राज्यों में जीत के बाद बिलासपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 21वीं सदी सात्विक शक्तियों की है। तीन राज्यों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि राजनीति के अर्थ और संस्कृति बदल चुकी है। अब वह संस्कृति नहीं रही है कि जनता से वादे कर भूल जाए और 5 साल बाद फिर नए वादे कर वोट ले जाए। आज के समय में जनता रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस की राजनीति चुनाव के नजदीक सड़क के नाम पर पहाड़ पर चूने की लाइन लगवा कर बाद में भूल जाने वाली है। उनके स्वागत में हुए अभिनंदन समारोह में नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसी भी काम के पूरा नहीं होने की गारंटी पक्की है। कांग्रेस सरकार राहत राशि में बंदरबांट कर रही है। दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की चारों सीटें जीतेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए कमर कसने को भी कहा। हिमाचल में जनता 68 इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढ रही है, 5 लाख युवा नौकरी और लोग 300 यूनिट मुफ्त बिजली का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिले हैं। मोबाइल स्वास्थ्य वैन का भी इंतजार है। पशुपालकों से गोबर और दूध खरीदने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आपदा में केंद्र सरकार ने हिमाचल को कुल 3378 करोड़ रुपए दिए। दो दिन पहले 633 करोड़ रुपए और दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने पराये का भेदभाव बंद करे और जो राशि केंद्र सरकार से मिली है पहले उसे खर्च करो, इसके बाद केंद्र सरकार और भी राशि जारी करेगी। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 19 दिसंबर से, परीक्षार्थियों पर सीसीटीवी कैमरों से रहेगी नजर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग की परीक्षाएं 19 दिसंबर से शुरू होंगी। परीक्षाओं के लिए 30 सरकारी और निजी बहुतकनीकी संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में N17, N22 और डी फार्मेसी के नियमित और रीअपियर के करीब 9300 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षार्थियों पर जहां सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी, वहीं 9 उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने एडमिट कार्ड वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। जो अपने अध्ययन पूरा कर चुके हैं और जिनके रीअपियर पेपर शेष हैं, वे अपने एडमिट कार्ड पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से बनाई सरकार,
कर्नाटक और हिमाचल में लोग परेशान। तीन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जेपी नड्डा की कुशलता से जीत हासिल की है। कांग्रेस ने हमें तीन राज्यों में चुनाव जीतने में सहायता की। कारण यह रहा कि हमने सभी राज्यों में कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों और उन्हें पूरा न करने की आदत से लोगों को अवगत कराया। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन प्रदेश में परियोजनाएं रुकनी नहीं चाहिए। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत समारोह में बिलासपुर पहुंचे अनुराग ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार और उसकी गारंटियां फेल हुई। इस बारे में सभी राज्यों में जाकर लोगों को बताया गया कि कैसे झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सरकार बनाती है। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने यही काम किया है और अब दोनों राज्य की जनता इनसे परेशान हो गई है। एसटी अधिनियम लागू करने के लिए सिलाई में प्रदर्शन, बाजार में निकाली विशाल रैली। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में जनजातीय अधिनियम को लागू नहीं करने पर केंद्रीय हड्डी समिति के आह्वान पर हजारों लोगों ने शनिवार को सिलाई में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाटी समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं के संबोधन के बाद एसडीएम सिलाई के माध्यम से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। सिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने प्रदेश सरकार और उद्योग मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय की दशकों पुरानी मांग को केंद्र सरकार ने पूरा किया, लेकिन अब प्रदेश सरकार बेवजह इस मामले को लटका रही है। उन्होंने कहा कि खुले मंच पर जिस तरीके से उद्योग मंत्री धमकियां दे रहे हैं, उसे सिलाई की जनता सहने वाली नहीं है। जब केंद्र सरकार ने हाटी कानून को लागू किया तो प्रदेश सरकार उसे लागू नहीं होने दे रही है। फिर लौटा 90 के दशक का फैशन, लड़के लॉन्ग कोट, लड़कियां फिरन की हुई दीवानी। 90 के दशक का फैशन फिर लौट आया है। सूबे में अब लड़के लॉन्ग कोट और लड़कियां फिरन की दीवानी हो रही हैं। युवा पीढ़ी ने तंग कपड़ों को छोड़कर अब खुले कपड़ों का ट्रेंड अपनाना शुरू कर दिया है। ट्रेंड को ओल्ड स्कूल नाम दिया गया है। युवा पीढ़ी सौंदर्य संबंधी कपड़ों से ज्यादा आकर्षित है और ओल्ड स्कूल फैशन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रही है। साथ ही युवा पीढ़ी 90 के दशक के फैशन को फिर से ट्रेंड में ला रही है। उनका मानना है कि 90 के दशक का फैशन आरामदायक है। आजकल सभी पुराने फैशन को नए तरीके से अपना रहे हैं। फिरन अपर हिमाचल में ज्यादा पहना जाता था, लेकिन अब लोअर हिमाचल में इसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाली लड़कियां ज्यादातर फिरन पहनना पसंद कर रही हैं। इसी तरह देखी देखी में लड़के भी लॉन्ग कोट पहनना पसंद कर रहे हैं। सिरमौर में सीएम सुखविंदर सिंह ने 45 मिनट में सिरमौरी हाट का किया शिलान्यास व शादी में की शिरकत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शनिवार शाम सिरमौर के पांवटा साहिब व नाहन विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 45 मिनट का प्रवास रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट सफर में भी गुजारे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम 4 बजे के आसपास पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के तारूवाला स्कूल में पहुंचे। यहां से सीधे ही पुरूवाला का रुख किया। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की लागत से प्रस्तावित सिरमौर हाट की आधारशिला रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नाहन विधानसभा के मिश्रवाला का रुख किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय कांग्रेसी नेता नासिर रावत को बेटे की शादी पर बधाई दी। कुछ मिनट रुकने के बाद सीएम ने पुरवाला से चंडीगढ़ की उड़ान भरी। संजौली हेलीपोर्ट पर खर्च दिए 16 करोड़, नहीं शुरू हुई उड़ाने, दूसरा बनाने की तैयारी। राजधानी शिमला में संजौली बाईपास पर करीब 16 करोड़ की लागत से बनाया गया नया हेलीपोर्ट अभी फंक्शनल नहीं हुआ है और राज्य सरकार एक और हेलीपोर्ट शिमला में बनाने जा रही है। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने डीसी शिमला को हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन तलाश करने को कहा है। शर्त यह है कि यह जमीन लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर स्थित होनी चाहिए। जिला प्रशासन अब शिमला शहर के आसपास नई जमीन ढूंढ रहा है। हालांकि जितनी नजदीक संजौली बाईपास का नया हेलीपोर्ट था, उतनी नजदीक अब जमीन नहीं मिल पाएगी और यदि दूर ही हेलीपोर्ट बनाना है तो फिर जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट का विकल्प पहले से मौजूद था। ऐसे में नया हेलीपोर्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ भी नहीं आ रहा। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।